वो तेरा ही आसरा, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते, जानते, परखते व समझते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले जो भी साथ संगत देख रही है या बाद में इस कार्यक्रम को देखेगी, उन सबको धीरा सच्चा सौदा के 75वें डायमंड जुबली स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर और जामे इंसान गुरु का 16वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आप सबको, सभी सत्संगत को, हजूर महाराज जी को, समूचे सृष्टि को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, पिछले एक महीने से शोर मचाया, यूपी वाला आएगा, 29 अप्रैल को आएगा, समुंदर के समुंदर ले आएगा, और उसके चक्कर में मांग मांग के पैसा लोगों के घर खाली करने पे जुटे डेरा प्रबंधक अब बोल रहे हैं भी नहीं आएगा। आपको ध्यान हो कि हमने मार्च में आपको या अप्रैल के शुरुआत में ही आपको ये बात बोली थी कि सरकार को डेरा से सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हजूर पिताजी ने जामे इंसान शुरू किया था और शुरू करके सभी जात धर्म मजहब के लोगों को एक करना शुरू कर दिया था, और यही राजनीति के, भारतीय राजनीति के बिल्कुल उल्ट है। भी भारतीय राजनीति में धर्म जात मजहब के नाम पे लोगों को बांटा जाता है, और पिताजी धर्म जात मजहब के नाम पे बटे हुए लोगों को जामे इंसान पिला के एक कर देते हैं, और यही चीज सबसे इम्पॉर्टेंट थी। इसी वजह से ही सबसे ज़्यादा दुश्मनी, सबसे ज़्यादा जो राजनेता है वो परेशान थे हजूर पिताजी से भी अगर सभी लोग एक हो जाएंगे तो इनकी दुकानदारी या धर्म के नाम पे जो ठेकेदारी चलती है और उससे जो धार्मिक स्थानों से पैसा इकट्ठा होकर राजनीति में लगता है या उससे जो हवाले का कारोबार चलता है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और इससे बहुत सारे निकम्मे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार रोजगार तो है ही नहीं, जो मतलब मांग के खाने वाले लोग भगवान के नाम पे, वो सब कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें की वजह से ही सब कुछ हुआ था, और हमने आपको शुरुआत से ही कहा, मार्च के आखिर से और अप्रैल की शुरुआत से, जामे इंसान गुरु का ये प्रथा को बंद करना सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, और इस प्रथा को जुप्पी वाला जमूरा नहीं चलाएगा, इसलिए वो 29 अप्रैल को नहीं आएगा, जिससे उसे ये कहना पड़े भी जामे इंसान गुरु का चलो जी पिला दें, धर्म एक हो जाएं। इसीलिए डेरा में इंसान के लॉकेट बिकने बंद किए गए, ब्लॉकों में इंसान के लॉकेट भेजने बंद कर दिए गए, धीरे धीरे इंसान का लॉकेट पहनने की प्रथा भी कम कर दी गई, क्योंकि यूपी वाला खुद भी वो लॉकेट बहुत कम पहनता है और कई जगह पर वो पहनता ही नहीं है, जो वीडियो में भी दिखाई देता है, और वैसे तो वो पहनता सिर्फ कैमरे के सामने ही है, पर कई जगह तो कैमरे के सामने भी नहीं पहनता है। तो ये सारी प्रथा इसीलिए चल रही थी भी जामे इंसान गुरु का में समाज को जोड़ के एक करना, ये काम तो यूपी वाला जमूरा कभी कर ही नहीं सकता है, और ये हम आपको कितनी बार समझाया भी वो 29 अप्रैल को नहीं आएगा, पुराने लाइव उठा के देखिए। तो अब क्या है कि पिछले एक हफ्ते से लगे हुए अखबारों में खबर चलवाने, ये चलवाने, भी हो सकता है भी इसी बहाने सोच रहे हैं भी चलो डेरे में भीड़ जुटा लेंगे, वैसे तो इनके बुलाए पर संगत आ नहीं रही तो इस तरह से कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी अक्सर कहा करते हैं भी तुम्हारे बुलाने से तो कोई कुत्ता ना आए, तो ये तो फिर इंसान है, तो इनको पता है भी इनके बुलाने से तो कोई आता नहीं है, वो आते सिर्फ हजूर पिताजी की वजह से, और अब जब इनके बुलाए कोई आ नहीं रहा है तो ये अब ये नौटंकी चला रखी है फिर तरीके से। और सच कहूँ ने तो जामे इंसान गुरु का जिक्र ही नहीं किया कहीं पर, क्योंकि ये प्रथा तो इनको ख़त्म करनी है, तभी तो पिताजी बोलते थे सारी दुनिया को जाम पिलाना है, ये तो भाई जाम बंद करना है इसको। तो ये चीज़ें चलो वैसे तो समझदार लोग तो बहुत जल्दी समझ ही चुके हैं भी ये सब नौटंकी चल रही है, लेकिन क्या है कि कहीं कुछ ज़्यादा ही खाज होती है, जिनके भी सबूत लागे दो, सबूत क्या है, सबूत क्या है, तो भैया ये तुम्हारा ड्रामेबाज, तो अभी इससे पूछ लो कि भाई क्यों नहीं चलाया जामे इंसान, पिताजी तो बोल रहे सारे हर किसी को जामे इंसान पिलाओ और उस सब में इंसानियत की अलग जगह, नया नाम लेने वाले लोगों को भी जामे इंसान पिलाया जाता, फिर दो चार इनके लोग आए वो बोलते जी ऐसा है तेरा वास में एक बार पिलाया था जाम, किसको, सेवादारों को भी, जो ऑलरेडी जाम पी चुके हैं उनको बुला के कौन सा जाम पिलाया था। तो कह रही है नौटंकी है, पखंडबाजी है, और इतने ज़्यादा पखंडी हो गए हैं, तो कुछ वीडियोस तो हम आपको लगातार डालते रहते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे भी क्या चल रहा है क्या नहीं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से साजिशें चल भी रही हैं।
ध्यान हो आपको, प्रदीप गोयल वाला मसला एक हुआ था जिसमें हनीप्रीत को धमकी देने का मसला आया था, तो भी उसमें जी 50 लाख की फिरौती मांगी नकली लॉरेंस बिश्नोई गैंग बन के। फिर कुछ दो चार इसके थे प्रियंका तनेजा के चमचे चेक कूदने लगे जी हमारी, भाई साहब भी रूडी आंटी को धमकी कैसे दे दी। और उसके बाद क्योंकि वो मेरा नाम कहीं उछल गया अखबारों में, पता नहीं किसने निकलवा दिया, तो उसके बाद अखबार वाले मुझसे पूछने लगे कि भाई क्या बात हुई। तो उसके बाद उनको तो बड़ी खुशी हुई, चलो जी अब अंदर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उसके जांच के बारे में पता किया है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जांच के अंदर एडम ब्लॉक का ही नाम आया है। वो आपको बताएंगे, एक कोर्ट का कागज भी दिखाएंगे भी, एडम ब्लॉक का ही नाम जांच में आया है उसमें, तो एक कोर्ट के अंदर भी इसका जिक्र हुआ अदालत में, तो उसका ऑर्डर की कॉपी मंगवाई है, शायद आ जाए। तो अब आप सोचो ये एडम ब्लॉक का नाम कैसे आ गया जांच में। तो खैर जो भी है, भी साजिशें चला रहे हैं, इनको लगता है भी चलो शाही परिवार तो चला गया, अब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को फंसा लें। तो शाही परिवार तो चलो चुपचाप था, गांव के रहने वाले थे, उतना कानून वो नहीं समझते थे, उनकी अपनी एक बंदिशें हैं, शाही परिवार होने की वजह से वो हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हर जगह उतनी आसानी से आ जा नहीं सकते थे। और लेकिन हम तो हम कौन सा संत मत में हैं या हमारे पे कौन सा बंदिशें हैं। तो खैर जो भी है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी, जैसे अनिप्रीत के जो करीबी हैं जो इसके साथ प्लानिंग रचने वाले हैं, उन्होंने ये भी बताया भी कुछ खास तरह के फोटोशूट भी हुए हैं यूपी वाले के और इसके अनिप्रीत के या प्रियंका तनेजा के। तो इसके फोटोशॉप फॉर फोटोशूट हुए हैं, और इस फोटोशूट में कुछ इस तरह की तस्वीरें भी खींची गई हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं, या वीडियो इस तरह के सामने आ जाए। तो इस प्लानिंग पे भी ये काम कर रहे हैं, ये हमें तो नहीं अंदाजा था, लेकिन जो इसके करीबी हैं वही बताते हैं भी इस तरह की प्लानिंग पे भी ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ इस तरह का, मतलब एक रिलेशन जो मीडिया ने बात उठाई थी अवैध रिश्ते की, वो हम किसी तरह से एस्टैब्लिश कर दें। और कल को ये ना हो सकता है भी आपके सामने कोई ऐसी खबर भी आ जाए, या ऐसी कोई वीडियो ये बना दें यूपी वाले के साथ, और या ऐसा कोई फोटोग्राफ ये दिखा दें भी देखो जी। और क्योंकि यूपी वाला कौन सा जेल में जाता है, उसको तो कहीं भी जाके मास्क पहना दो वहीं यूपी वाला बन जाएगा वो। तो इस तरह का भी कोशिश हो रही है भी, जो मतलब कहीं और ले जाके उसका मेकअप करके वहाँ का फोटोशूट भी करा रहे हैं, हाँ, जिससे ये साबित कर सके भी ये सिर्फ बरनावा का नहीं है, ये पुराने फोटोज भी हैं। तो क्योंकि मेकअप के बाद तो कुछ ही बना लो। और अब ये इस पैटर्न पे भी जो इसके करीबी हैं वो बता रहे हैं भी इस पे काम चल रहा है, और आने वाले हो सकता है टाइम में कभी ये महीने 2 महीने जब भी ये सामने आए, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी भी रूप में सामने आ सकती है। फिर भी कोई सवाल आपका हो तो पूछते रहिएगा। इसके अलावा और प्लानिंग्स क्या चल रही हैं कि डेरा में जितनी जानकारी है उसमें क्या है, जो हजूर महाराज जी से संबंधित जितने भी लोग हैं, या शाही परिवार के करीबी कह लो, या जो भी हजूर महाराज जी के रिश्तेदारी, क्योंकि उस अभी तो क्या है, अभी तो सिर्फ जो मेन शाही परिवार था, जसमीत भाई जी वाला परिवार और माता जी और या दोनों बहनों का, उस वो परिवार तो चलो फिर भी इनके साथ नहीं खड़ता था एडम ब्लॉक के साथ उतना, लेकिन बाकी रिश्तेदारों ने तो एक तरह से आस्तीन के सांप वाला ही काम किया है, चाहे वो पिताजी के ताया जी का परिवार हो, चाहे पिताजी के ससुराल परिवार हो, तो उन सब ने तो आस्तीन के सांप वाला ही काम किया है। पर लेकिन क्या है कि अब सांप को दूध पिलाया वो कौन सा फूल तो देगा नहीं, अब इनाम में जहर ही देगा। तो खैर अब ये इस तरह से जो भी डेरे के पुराने लोग हैं, खास तौर पे जो पक्के सेवादार 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार एक ही सेवा करते आ रहे हैं, तो या फिर शाही परिवार से संबंधित हैं या सब कुछ ऐसे है, और या फिर इनके कंट्रोल से बाहर है, मतलब पुराने सेवादार भी वो जो इनके कंट्रोल में नहीं है एक तरह से, उन सेवादारों को अब इन्होंने इस तरह बोल दिया है भी इनको हटाया जाएगा, और कि इनको हटाओ और नए सेवादार लेके आओ। मतलब डेरा के अंदर एक बड़े स्तर पे फेरबदल चल रहा है, जिससे जितने भी पुराने सेवादार हैं उनको एक एक करके
हटा दिया गया है और हटाया जा भी रहा है। हाँ, जो चापलूसी करने में सब कुछ है करने में तैयार है उनको हटाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक वीडियो हमने आपसे शेयर किया है, उसमें क्या है कि ये अभी का वीडियो है, इसमें कुछ लोगों ने बताया भी, उनको स्पेशल बुलाया जाता है कि फार्मों की सेवा है। फिर ऐसे ही एक व्यक्ति गया, उसके पास फ़ोन था, उसने वीडियो कॉल करके दिखाया भी, देखो इस तरह का ये सेटअप है, पूरा हॉल बना हुआ है, फार्म है और इन फार्मों पे, तो हमने आपको थोड़ा सा वीडियो डाला है, उन फार्मों पे मतलब अंगूठे के निशान लगे हुए हैं, साइन करवाए हुए हैं और फार्म खाली है, मतलब फार्म का बस ऐसा नहीं है कुछ भरा हुआ है उसमें। तो उसके बाद अपने हिसाब से वो फार्म भरे जा रहे हैं और उसमें क्या है कि बहुत सारे फॉर्म उन्होंने ऐसे बताया भी, जैसे आदमी आप संगत से तो एक ही फार्म भर के आता है लेकिन उसके साइन का आइडिया लग जाता है, सब कुछ है, तो ऐसे एक फार्म से 15-20 फार्म और बना लेते हैं उसके मिलते जुलते। तो इस तरह से काम चल रहा है और ये सब इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है कि इनका इनके पास जो पैसा होगा एडम ब्लॉक के लोगों के पास है, ये पैसा इनके पास क्योंकि संगत से लूटा हुआ है, अब इनकी प्रॉपर्टी है सब कुछ, हिसाब किताब कहाँ से दिखाएं ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा भी इनकम टैक्स वालों को दिखाएंगे भी ये पैसा संगत ने दिया है, और जबकि वो पैसा संगत ने तो दिया नहीं है, और जो दिया था वो ग्रीनेस के फंड में था, बाकी जो पैसा ये खा गए वो पैसा ये तरीके से संगत से ही कागज भरवा के उस पैसे को एक नंबर का बना के दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और इसलिए एक वीडियो सिर्फ इसलिए डाला है भी आपको समझ आ जाए भी कैसे खाली फॉर्म है, उन फॉर्म पे साइन किए हुए हैं और कैसे एक आदमी के नाम पे आपने लिस्ट देखी है भी 150-200 इस तरह से कितने फार्मों का डाटा कंप्यूटर पे लिखा गया है। तो वो चीज़ें इसलिए भी अभी तो क्या है कि आपने फार्म भर के दे दिए साइन कर दिए, लेकिन क्योंकि ये फार्म सरकार में जमा होने हैं, अब आपको नहीं पता भी आपके नाम से कितने जमा होने हैं, अब आपने शपथ पत्र साइन करके दिया है, दो गवाह भी लगेंगे उसमें, वो कौन सा आपसे पूछ के लगाए जाएंगे। अब कल को ये तो क्या विजय माल्या बन जाएं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि विदेशों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने अपने पासपोर्ट दूसरे देश के बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दूसरे देशों में क्या होता है अगर आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है तो उसमें क्या होता है भी आप वहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो तो आसानी से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ का। तो उसमें पासपोर्ट का सिस्टम होता है, पासपोर्ट आप एक ही कैरी कर सकते हो, या तो इंडिया का कैरी कर सकते हो या जिस देश में जाओगे उस देश का कैरी कर सकते हो। तो इन्होंने विदेशों में बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट भी किया है जिससे इनको वहाँ के पासपोर्ट अब आसानी से मिल जाएंगे, हो सकता है मिल भी गए हों। तो उसमें क्या है भी जब इनकी इनको पकड़ने की संभावना, इनको लगेगा भी अब सरकार साथ देना बंद कर रही है तो किसी दिन उठा के मोरिया बिस्तरा चक्के विदेश में दौड़ जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग वापस ही ना आए, लेकिन उन्होंने जो फार्म भर भर के ईडी में इनकम टैक्स में जमा करवाए होंगे वो तो आप लोगों के होंगे, और फिर उन फार्मों पर जब जांच बैठेगी तो आपने ये पैसा, क्योंकि आपको तो नहीं पता है भी आपके नाम से कितना खर्चा कितना पैसा ये दिखा रहे हैं, लेकिन आपने खाली फॉर्म साइन करके दे दिया है, अब वो फॉर्म वो जो साइन उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी तो आपका पैसा और आपके ऊपर केस बनेगा, तो आप जुर्माना भरते भरते थक जाइएगा, जुर्माना कैसे भरेंगे और क्या पेनल्टी लगेगी, क्या जेल होगी, क्या मुकदमा चलेगा, कुछ नहीं पता। और जो आप एक तरफ मान लो बीपीएल का कार्ड लिए बैठे हो, किसी भाई ने लिखा है पीला कार्ड हट जाएगा, उधर से आपके नाम से ये दिखा दे भी आपने 2 लाख रुपए दान किया एक साल में, और इधर से आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो इनकम टैक्स वाला इसको अपडेट करेगा रिकॉर्ड में आपके आधार नंबर से, तो आपके कार्ड की वैधता भी कैंसिल हो जाएगी, और आप बोलो जी मेरा तो बीपीएल का कार्ड कैसे कैंसिल हुआ, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, लेकिन आपके फार्म भी तो गए ईडी इनकम टैक्स में। क्या कि कल को मुसीबत आएगी, और क्योंकि ये फार्म तो आप दे ही चुके हो, जिससे स्टेज पे एक आदमी के फार्म से 150-150 फार्म बन जा रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे ऐसे में। खैर क्या है कि ये अपराधी लोग हैं, अपराध के तरीके ये शरी ऐसा कोई एक भी काम तो हमें दिखे भी जो ये साफ सुथरा करते हों, ईमानदारी से करते हों, हर एक काम में झोल है, हर एक काम में ठगी है, कोई एक सिंगल काम नहीं है जो ईमानदारी से ये करते हों, लेकिन पता नहीं जो इनके अंधभक्त बने बैठे हैं उनको कौन सा काम दिखता है ईमानदारी वाला। आईटी विंग वाले सुबह से लगे हुए हैं, दिल्ली यूपी वाला आएगा, यूपी वाला आएगा, फिर क्या हुआ शाम दोपहर में मैसेज चला दिया अभी इस बार नहीं अगली बार आएगा, फिर देखा अभी अगर अभी मैसेज चला देंगे तो कल को संगत नहीं आएगी, फिर दोबारा फिर मैसेज चला दिया अभी उम्मीद बाकी है अभी आएगा, फिर दोबारा मैसेज चला दिया, मतलब क्या है
खेल बना के रखा हुआ है भाई। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा वो दो जहां का वाली है, रब है, सब कुछ कर सकता है। और कहीं तो वो एक इसके थे वो बाबे बने हुए आजकल पंडित जी महाराज, तो वो कहता था जी बस आप लगाओ दी चिट्ठी, बस बाकी हनीप्रीत अपने आप संभाल लेगी। क्यों, हनीप्रीत की ताकत कहाँ चली गई? जब हमने आपको मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरुआत में ये बात बोल दी भी ये नहीं आएगा, तो कोई तो वजह हमें भी पता होगी भी क्यों नहीं आएगा। हमें भी तरीका पता होगा भी कैसे आता है, हमें भी तो पता होगा भी कौन सा पेंच फंसा है, ऐसा भी क्यों नहीं आएगा, कहाँ इसका झगड़ा हुआ है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो इतने तो जानकारी हम भी रखते हैं। जब हमारे पास ही अप्रैल के पहले हफ्ते में जानकारी थी भी आ ही नहीं सकता, और ये आएगा भी नहीं, चाहके भी नहीं आ सकता, और चाहेगा वैसे तो ये आना ही नहीं चाहता है, पर चाहके भी नहीं आ सकता, सब चीज़ हमें पता थी। तो फिर ये बात आपको एडम ब्लॉक क्यों नहीं बता रहा? वो आपसे पैसे ऐंठ रहा है, कह जी इसने आना है इसके लिए कारपेट का पैसा दे दो, इसके लिए बोतल खरीदनी है उसका पैसा दे दो, इसके लिए कुर्ता पजामा खरीदना है उसका पैसा दे दो, इसके लिए नवे नवे ट्रैक सूट लेने हैं उसका पैसा दे दो, बनाना है इसको 200-200 रुपये वाले ही हैं, और कॉपी जूतों की कॉपी बनानी है, कौन सा ओरिजिनल ब्रांड लेके आना है इसके लिए। पर क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें जब समझ आती है तो पता नहीं आपको क्यों नहीं आती, लेकिन क्या है कि सिर्फ पैसा ही ऐंठते जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो किसी आदमी को बोल दिया जी 15 तारीख को आएगा, अब 15 तारीख के हिसाब से उससे पैसा ले लिया, अब 15 तारीख टप गई तो अब क्या करें? तो अगले अगले किसी से पैसा लेना, उसको 18 तारीख बोल दी, किसी को 20 बोल दी, किसी को 22, किसी को 25। अब एक भाई मेरे को बोला जी मेरे से कह रहे हैं जी यूपी वाले ने आना है, मेरे को वहाँ पर स्पेशल सोफा लगेगा, अभी सोफे के पैसे दे दो। अब ये सोफे के पैसे किस चीज़ के पैसे, भी सोफा लगेगा। तो फिर ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों से इसी चीज़ का पैसा इकट्ठा कर लिया भी 29 अप्रैल को जी स्पेशल प्रोग्राम करना है, उसके लिए आपकी तरफ से स्पेशल वो आएगा कि जो आप सामान दोगे वो स्पेशल यूपी वाले की खिदमत में लगेगा, उसका पैसा दे दो। मतलब जब हमें पता है कि उसने आना ही नहीं, तो फिर आपसे सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ये कहानी है भी? तो ऐसी कौन से तरीके हैं जो हमें पता लगता है और एडम ब्लॉक को नहीं पता था कि वो आ नहीं सकता या आएगा ही नहीं? तो हम आपको गारंटी से कह रहे थे अभी नहीं आएगा 29 अप्रैल को, और अभी कल को क्या होगा? अभी क्या है, अभी अभी हमने बोल दिया अभी चिट्ठी आ जाएगी, चिट्ठी तो क्या खुद ही लिखनी है, खुद ही पढ़ के सुनानी है, कौन सी बड़ी तोप है? अब तक तो लिख ली होगी चिट्ठी, फिर चिट्ठी में एक ही लाइन उसने घसीटनी है, हम गुरु थे, हम ही रहेंगे, एकता में रहना है। क्यों, अब 10 तारीख को इलेक्शन आ रहा है जलंधर में भी और मेरठ में भी, तो वहां एकता में रहना है, एकता में चलना है, यही नौटंकी चलेगी। क्यों, वोट बेचने हैं जो आपके? अब यूपी वाली सरकार तो बोलेगी भी ले आओ ले आओ पेरोल पे ले आओ, मेरठ के अंदर म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन है, कुछ वोट मिल जाएंगे, तो यूपी साइड में, यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो खैर ये सारी चीज़ें रेगुलर है भी, ये आज अमर उजाला की खबर आपने पढ़ी होगी, यूपी में वो चुनाव है, इस चक्कर में पेरोल मिल सकती है, तो सबको पता है ये ड्रामा क्या चल रहा है। अब ऐसा भी खुद ही आंख बंद करके बेवकूफ कहलवाओ भी, हमें तो पता ही नहीं, हम तो जी भगती हो रही है जी, पता नहीं हनीप्रीत ने कौन सा एक टांग पे लटक के भगती करी है भी, जो उसकी भगती का फल है जी वो तो यूं एप्लीकेशन लगाती है और सरकारें दौड़ने लगती हैं। मतलब क्या है कि नौटंकी है, सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं, पैसा फेंको तमाशा देखो और कुछ नहीं चल रहा है, कौन सी भगती कौन सी नहीं। पिछली बार आया बड़ा मटर पनीर, ये जी मैं तो समुंदर के समुंदर देऊंगा, और उसके आगे वो 45-85 वाले लगे, देखा जी ये मटर पनीर आने लग गए, मलाई कोफ्ते आने, देसी घी के लड्डू आने लग गए जी, काजू कतलियाँ मिलने लग गई, उसके जाने की देर थी वही घिसी पिटी बासी घिया कद्दू तोरी, वो भी सब्जी कम तरी ज़्यादा, और उसमें भी अगर आप डेरे में एक बंदा एक से दूसरी बार मांग ले तो ऐसे घूरते हैं कि बंदे ने बॉर्डर पार कर लिया हो, और उसके बाद ये नहीं है कि दे देंगे, देते भी नहीं है। और अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा रुकोगे डेरे में तो आपको उठा के बाहर करेंगे कि भाई ये इतना लंगर नहीं है हमारे पास तुम्हारे को खिलाने के लिए। तो मतलब ये सब कुछ है, चल रहा है। इसके अलावा एक बीमा कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये जबरदस्ती, पिताजी के वचन भी हमने आपको डाले थे भी बीमा कंपनी का, तो पिताजी ने खुद मना किया है भी, किसी भी कोई भी सेवादार जिम्मेवार अगर बीमा कंपनी का एजेंट बन के आपसे पैसे लेने आए तो बीमा कंपनी मैं आपने पैसा नहीं लगाना, क्योंकि ये फ्रॉड है। ये इसमें क्या होता है, जितना पैसा आप देंगे इसका 40% जो आपसे पैसा लेने आया वो उसी को मिल जाएगा, और उसके बाद कंपनी ओरिजिनल है, आपको कागज जेन्युइन मिल रहा है नहीं मिल रहा, फ्रॉड है, आपका पैसा हजम हो जाए आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये इन्होंने आज तक कौन सा कभी कोई ईमानदारी से काम किया है, तो सब बेईमानी से ही किया है। तो खैर फिलहाल ये कि
अब जो मसला है, समुंदर के समुंदर तो खाली हो गए, ये तो पहले बूंद बूंद देता था, फिर समुंदर देने लगा, फिर समुंदर के समुंदर देने लगा, वो 1 महीने में खाली हो गया। हमारा वाला सतगुरु तो एक बार दे सारी उम्र ना खाली हो, इसका तो 1 महीने में खाली हो गया। फिर मांगना शुरू, मतलब क्या है कि वो एक गाना गाया करते ना, अभी तुम 1 रुपया दोगे भगवान तुम्हें 10 लाख देगा, भिखारी रोड पे गाना गाते हैं, एक टीवी में भी दिखाया, एक छत फिल्म में, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। तो वो वाला काम यूपी वाले ने चला रखा है, भी तुम 1 रुपया दो मैं तुम्हें समुंदर के समुंदर कहानी ही तो सुनानी है, कौन सा समुंदर के समुंदर, 2 बाल्टी पानी फालतू घर में गिर जाए तो मुसीबत है, समुंदर के समुंदर में पता नहीं क्या देगा। उसके बाद क्या बेड़ा गर्क सबका है, कोई एक आदमी बता दे यूपी वाले का चेला जिसके घर में बरकत आई हो, जो यूपी वाले का अंध भक्त हो उसकी पूरी सेवा में लगा और उसके पल्ले कोई कुछ भी उसके साथ अच्छा हुआ हो। हाँ नौटंकी सबके सारे चलाए हुए हैं, अच्छा किसका हो रहा है, जो पैसा लूट के खा रहे हैं, और वो भी अच्छा क्या हो रहा है आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। और ऐसे उदाहरण हम आपको 85 दे देंगे जिनका बेड़ा गर्क हो गया इस यूपी वाले के आने से, भी ऐसे 85 उदाहरण है जिनके घरों में लड़ाई रहने लग गई, कलेश हो गया, घर में बीमारियां ने घर कर लिया, इतना बुरा हाल, नरक जैसे घर बन गए इस यूपी वाले के चक्कर में, ऐसे हमारे पास 85 उदाहरण है। तो क्या देने आया, देने आया या आपका पहले वाला भी छीनने आया? तो खैर जो भी है, पर नौटंकी है चलती रहेगी, आप समझें ना समझें, पर ये ध्यान रखिएगा बहुत तरह की साजिशें पनप रही हैं और अलग तरीके से पनपेंगी। अभी पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए हैं मेरे खिलाफ ही कुछ कहानी बनाने में, बता रहे बना ही नहीं पा रहे। अभी क्या है, अभी वो ना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अभी तुम कहानी बनाओ, मैं तो पहले से पता है तुम क्या बना रहे हो। तो खैर बनाते रहो, देखो कब तक चलेगी, और फिर भी आपके पास कोई नई चीज़ आए, कोई कहानी आए तो आप बता दिया करो, कोई सवाल फिर भी आपका हो तो बताओ, कोई भी सवाल आपका हो। अभी 2-4 मिनट हो रहे हैं, फिर हम बहन जी को लाइन पे लेते हैं पंजाबी भाषा वाले संगत के लिए। हाँ लेकिन बहुत सारी संगत ने नाम सुमरण करना शुरू किया है, वो सब नियम से कर भी रहे हैं, तो आप नाम सुमरण जो कर रहे हैं उसमें जो बंदे टाइम 3 से 3:30 और रात को 9:30 से 10 बजे तक जो सुमरण कर रहे हैं डेफिनेटिव मतलब नियम से, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो अगर आप नियम से सुमरण कर रहे हैं तो बेशक उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। भाई जी पिताजी का पता चला कहाँ है? जी भाई जी हमारे पास तो अभी जगह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है भी कहाँ पे है, पर लेकिन जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं ये कन्फर्म्ड है, पर ये नहीं पता है कि जगह एग्जैक्ट कौन सी, क्योंकि वो बदलती रहती है, वो कोई एक जगह नहीं रखते हैं, वो बदलती रहती है, और क्योंकि वो लोकल पुलिस या हरियाणा पुलिस के पास नहीं है इसलिए इतना आसान नहीं होता हर बार नई लोकेशन को ढूंढ के ट्रेस, कभी कभार कोई लोकेशन मिलती है लेकिन ये यूजुअली बदलती रहती है, तो इसलिए पता नहीं चलता है, इतने हमारे इतने भी जासूस नहीं है अभी हर लोकेशन का पता लगा लें। तो वैसे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं स्वस्थ हैं सेफ हैं खुश हैं सबसे बड़ी बात। तो खैर फिरौती मांगने वाले केस में आगे आया, एडम ब्लॉक का नाम आया है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है, तो आप लेडीज़ हैं तो आप बहन वीरपाल कौर से संपर्क कर सकते हैं, और जेंट्स हैं तो भी व्हाट्सएप इसमें फेसबुक पेज पे नंबर दिया है एक, तो आप उस पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर रवि नड्डा है एक रानिया साइड से भाई, उनसे उनका नंबर अगर आपके पास हो तो उनसे कांटेक्ट कर लो, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन आप नियम से नाम जप रहे हो तो ही उसमें ऐड होना, अगर आप नहीं जपोगे तो उस ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। तो शाही परिवार सिरसा के घर में कौन रह रहा है? तो फिलहाल तो शायद बंद है जी घर, कोई रह नहीं रहा है, और बहनों के जो मकान हैं वो तो बेच दिए हैं एडम ब्लॉक को, जो बहनों के मकान थे दोनों बहनों के, जसमीत भाई जी वाली कोठी बेची है या नहीं बेची मालूम नहीं, बहनों वाली कोठियां शायद बेच दी हैं, तो वो अब एडम ब्लॉक के सुपुर्द हैं, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मालूम नहीं, पर हो सकता है भी जसमीत भाई वाली कोठी भी बेच दी गई हो, पर हमारे पास जानकारी नहीं है। तो विक्रम इंसान जी ने नंबर लिखा है, अगर आप सुमरण वाले ग्रुप में नियम से नाम जपते हैं तो उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, तो उसके कुछ नियम हैं वो आपको बता देंगे रवि जी जब आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। तो
और कोई जानकारी आपको देनी हो, लेनी हो, पूछनी हो, शिकायत हो, सवाल हो तो आप बता दें। बाकी ये नौटंकी ड्रामा चलता रहेगा इनका, और पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं। अब इनका एक क्या कहते हैं, हमने आपको आज लिखा कि पांच अलग अलग ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट मेंबर तो नरक सिधार गया, तो उसकी तो वहाँ सर्विस अच्छे से चल रही होगी। बाकी नहीं जी, जितनी बार भी पिताजी के नाम से ये बंदा बाहर आया है, पिताजी कभी बाहर आए ही नहीं। हाँ, और पिताजी जब सुनारिया जेल में है ही नहीं तो वो इधर से आएंगे कैसे? ये सब नौटंकी इसी के साथ चल रही है, नकली वाले के साथ। असली पिताजी बाहर कभी आए ही नहीं, और जितनी हमारी जानकारी है, और अगर आए भी हैं तो उसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते। पर जितना ये पैरोल पे आपको दिखाई दे रहा है बंदा, और जो गुड़गांव के अंदर आया था भी, वो नकली था, ये डेफिनेटिव है। क्योंकि जब गुड़गांव में ये आया था तो इसने शाही परिवार माताजी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, और वहीं उनको समझ आ गया था भी ये पिताजी नहीं है, और इसलिए उस वहाँ भी वो 2 दिन ही मुश्किल से रुके थे, और उसके बाद वहाँ छोड़ के आ गए थे गुड़गांव में। भी अखबार वालों में खबर, फिर वो आजकल तो क्या 500 500 रुपये देकर खबर चल जाती है, अखबार में खबर छपवा रहे हैं जी, माँ ने खीर बनाई अपने हाथ से खिलाई, ये सब ड्रामा था। जब आज आपको दिख रही है सारे अखबारों में खबरें कैसे चल रही हैं, मतलब जिस पैरोल का अभी तक एप्लीकेशन नहीं लगी वो पैरोल सैंक्शन हो जाएगी, मिल जाएगी भी। क्या तुक है, कोई सिर पैर है जो एप्लीकेशन ही नहीं लगाई है पैरोल की, तो कैसे मिल जाएगी? तो खैर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, समझते रहिएगा, और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। बाकी एक फेसबुक पेज है डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी के नाम से, उसके कुछ पोस्ट हम इस पेज पे शेयर करते रहते हैं, उस पेज पे भी हम अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, तो अगर आप उस पेज पे जाओगे तो उसमें थोड़ा रूहानियत को लेके ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं, तो आप पढ़ लिया करें उस आर्टिकल को, और उस पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेरा सच्चा सौदा में हजूर पिताजी की क्या सोच है, उसमें हम ये इधर वाला ड्रामा नहीं आता है, जो यूपी वाला ये सब ड्रामा ये तो नहीं आता है। तो खैर जो भी है, बाकी आप सतर्क रहिए और आगे बढ़ते चलें, धीरे धीरे हो सकता है सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी एक दिन। सच्चाई तो किसी की नहीं छुपी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर बैन वीरपाल कौर को हम फोन लाइन पे लेते हैं, पंजाबी भाषी लोगों के लिए, वो शायद पंजाबी में ज़्यादा समझते हैं। और तो बैन वीरपाल जी हमारे साथ लाइन पे। हाँ जी बहन जी, हाँ, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल अपना डेरा सच्चा सौदा दा स्थापना दिवस ते जामे अलसा गुरु का दिवस है, इसे करके अज स्थापना दिवस ते जामे अलसा गुरु का दिवस की पूर्व संध्या ते पूजनिक गुरु पिता जी नू, पूजनिक माता जी नू, सारी साध संगत नू बहुत बहुत बधाई होवे। गुरु पिता जी अगे अरदास भी है कि सतगुर दया में रहमत करो कि जो बुराई का पहाड़ डेरे के अंदर एडा वड्डा खड़ा होया इनू जल्दी तो जल्दी खत्म करो, और आप जी सत का डांका वजाओ, ते आप जी शाही स्टेज से जल्दी विराजमान होवो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस आपां नूं पता ही है, वह भी 29 अप्रैल साईं मस्ताना जी महाराज ने इस नींह रखी सी डेरा सच्चा सौदा दी। उस तो बाद 29 अप्रैल 2007 में गुरु पिता जी ने जामे अलसा गुरु का आपां नूं सारां नूं पलाया। ता मैं कल परसों दीआं जो पोस्टां देख रही हां, चाहे सच कहूं दीआं जां डेरा सच्चा सौदा दा, वह सिर्फ स्थापना दिवस की ही गल कर रहे हैं। 29 अप्रैल नूं डेरा सच्चा सौदा दा स्थापना दिवस है। सचखंड दे विच वी मैं कल पढ़िया सी, उन्हें भी यही लिखा है कि स्थापना दिवस मनाया जाएगा, पर जामे अलसा गुरु का दी बहुत घट गल हो रही है, ते ना ही डेरे दा जिहड़ा आईटी विंग है वो जामे अलसा गुरु का जिहड़ा दिवस है इहदी कोई गल कर रहा है।
ऐसे करके आपां तां जो अपने गुरु पिताई दी सोच आ जां गुरु पिताई जी ने जो चीज चलाई जां जो रीत चलाई आपां उसे नूं जारी रखना। ऐसे करके जदों इह 29 अप्रैल 2007 नूं जामे अंसा पराया गया सी तां उस तों बाद तुहानूं पता हो पंजाबी दे विच इक मैगजीन आया सी, उस मैगजीन दे विच सारा वरतांत दस्सिया गया सी। मैं अज उस वरतांत उस समय की होया सी ते किवें गुरु पिता जी ने यह जिहड़ा पलाया उसका पहला ते दूजा पेज दे विच उन्होंने काफी सारा दिता होया। आपां उही चीज जिहड़ी याद करांगे गुरु पिता जी दीआं उन्हां जादां नूं ही आपां याद करांगे जो गुरु पिता जी ने 29 अप्रैल 2007 नूं जो सारी साध संगत दे खास करके सेवादारां दे सामने जिवें भी आपां नूं जामे इंसानां जिहड़ा सीगा उह पलाया गया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਤਲਬ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਬਾਰਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਸਰਸਾ ਸ਼ਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਫਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ। ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਮਹਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਅੰਸਾ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਚ ਛਿਪ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲਈ ਚੰਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਮ ਟਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨੂਰ ਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸਦੀਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਰਵ ਜਾਤ ਸਾਂਝਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਉਪਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਪਰਾਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਪੂਰਨ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਹਾਰਦ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਵ ਜਾਤ ਸਾਂਝਾ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ
आचरण विच उतार लिया जाए तो आदमी सारिया बुराइया दूई दवैश तो मुक्त होके उच्च मुकाम नू हासिल कर सकता है। इंसानियत के आधार नू उच्चा चुकन अते इस नू दृढ़ नी देन लई ही इंसान रूप सामने आया है। इंसान लई बने संतारी निजम इंसानी शरीर के हर बुरे काम तो तौबा करन दी हामी भरवाउंदे हन, जिस नाल इन्हां निजमां नू मन्नण तो बाद इंसान खत्म हो चुके इंसानी गुणां नाल खुद ही भरपूर हो जाता है। ना कोई वखरा धर्म भाईचारा जात मजहब, जेकर कुछ वखरा है तो केवल इंसान नू इंसानियत दे गुणां नाल भरना तां कि इंसान इंसान दे काम आवे। इंसान है कि डेरा सच्चा सौदा दी साह संगत लई इतिहासिक दिन 29 अप्रैल 2007 ऐतवार नू विशुद्ध शब्द इंसान नू धारण करन दा सद्दा मिलिया। सच्चे पातशाह प्यारे पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए फरमाया कि यह इंसानियत का प्रतीक है, निरोल इंसान बन की प्रेरणा है। वह इंसान जो परमात्मा ने सारे नू बना के भेजा है। आप जी ने फरमाया कि जदों इंसान पैदा हुंदा है तां उस लई जात पात ऊंच नीच दा कोई महत्व नहीं हुंदा, ना ही उस नू किसे धर्म जात मजहब प्रति वैर विरोध हुंदा है। पर अज लोग अपनी हस्ती नू भुल चुके हन। सतगुरु परमात्मा ने सारे नू इंसान बनाया है अते ओही इंसान बनाउण लई इस शब्द इंसान की वरतों की गई है ताकि लोगों नू अपनी हस्ती का पता लग सके। सारे इंसानियत की भावना पैदा होवे। पूजनीक हजूर पिता जी ने समूह साध संगत नू अपने नाल उपनाम सरनेम की बजाए इंसान लिखन का सद्दा दिता। डेरा सच्चा सौदा दे जो भी प्रेमी भाई भैन हन वह अपने नाम के नाल गोत सूचक शब्द नू हटा के इंसान लिखणगे ताके जात पात दे भेदभाव नू खत्म किया जाए। इत्थे यह स्पष्ट किया जाता है कि हर प्रेमी भाई भैन दे नाम दे नाल सिंह जां कौर तां उवें ही रहेगा, पर उस तो बाद इंसान लगाया जाएगा। पूजनीक हजूर पिता जी ने सेवादारा नू संबोधन करते हुए फरमाया कि संगत लई इह नां इसलिए दिता गया है ताके दुनिया नू पता लगे कि साडे जीवन दा मकसद की है, साडी भावना की है, इंसानियत की सेवा करने वाले की एक वक्री पछाण होवे। पूजनीक हजूर पिता जी ने इत्थे स्पष्ट करते हुए फरमाया कि इसका मतलब धर्म तब्दीली जा नवा धर्म नहीं, बल्कि यह तो इंसानियत का प्रतीक है। अपने अपने धर्म विच रहिंदे होए धर्म के अनुसार मानवता की निस्वार्थ भावना नाल सेवा करना है। इंसानियत लई अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे। पूजनीक हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सच्चे पातशाह पूजनीक हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान वालों 29 अप्रैल 2007 के दिन इतिहासिक दिन ऐतवार नू इंसानियत दे प्रतीक स्वरूप विशेष लोकत लोगो जारी किया गया। इस लोगो नू जारी किए जाने का दृश्य बहुत ही दिल दहलाने वाला सी। लोगो नू जारी करन तो पहला शहनशाह जी ने समूह साध संगत तो प्रतिज्ञा करवाते हुए फरमाया कि पहला सारे वादा करो कि जिवें असी करन जा रहे हां उवें कोई नहीं करेगा, क्योंकि जदों कुछ धारण करना होवे ता उस दे लई कुछ करना ही पैंदा है। अजिहा सुनदे ही संगत हैरान रह गई, चारे पासे खामोशी छा गई, एक अजीब जिहा सन्नाटा छा गया, हर किसी नू अनजान गवां ने घेर लिया। फिर शहनशाह जी ने सारियां नू इस वादे नू निभाउण लई कहा। अपने सतगुर दे हुक्म विच बद्धी साह संगत ने हथ खड़े करके शाही फरमान नू सलाम करदे होए कुछ पल लई खामोशी तोड़न दा साहस कीता। साह संगत व्याकुलता दी गोद विच सिमटी हुई दिखाई दे रही सी।
हर कोई अनोखी मनोदशा च विचर रहा सी, हर चेहरा मायूसी दे आलम विच सी। फिर पूजनिक हजूर पिता जी ने फरमाया कि असी इंसानियत अते सुहर्दता दे प्रतीक इस लोकत लोगों नू अपने खून नाल रंग दे रहे हाँ। बस शहशाह जी दे इन्हां शब्दां ने तां सारिआं नू झंझोर के रख दिता। इन्हां शब्दां नू सुन लैण दी समर्था तां किसे विच बाकी रही नहीं सी। शाह सतनाम जी धाम दी गुफा दे विहड़े विच बैठे लगभग 1.5 लाख सेवादार भाई भैण अपने दिल अजीज प्राणा तो प्यारे सतगुर दे इन्ने कहिंदे ही फुट फुट के रोण लग पए। इन्ना दिल दहलाउण वाला दृश्य कि हंजुआ नाल तर बतर हो रहे सन सारे। की छोटा की वड्डा, नौजवान बुजुर्ग, माता भैणा भाव, हर कोई बस रोई ही जा रहा सी। सेजल अखां चो हंजू तार बन के वह रहे सन। इस गमगीन माहौल विच हर कोई वैराग च माणी मन विच यही पुकार रहा सी कि हे प्रीतम प्यारे, जिंदगी विच कदे भी अजिहा पल ना आवे, साडे तो यह कदे सहन नहीं होवेगा। यह तां हाल हो रहा सी सारे सेवादार भैण भाइयां दा। पूजनिक हजूर पिता जी ने अपने पवित्र कर कमल सज्जे हाथ दी विचकारली उंगल चो खून कढ़िया। इस तो बाद पूजनिक हजूर पिता जी ने उंगल नू हाथ नाल दबाया ता उंगल ते खून दी लंबी धार वह तुरी। उस खून रंगी उंगल नू दिखाउंदे होए इंसानियत दे सच्चे मसीहा पूजनिक हजूर पिता जी ने जोश विच ऐलान कीता कि अज असीं इंसानियत दे प्रतीक इस लोगो भाव इंसानियत नू अपने खून नाल रंग रहे हां, भाव तिलक लगा रहे हां तां कि इंसानियत दया रहम भावना नू जिंदा रखन वाले तुसी इंसान बनो। शहशाह जी दा जोशीला अंदाज वेखदे ही बन रहा सी। आप जी दा नूरानी चेहरा, रूहानी प्रकाश इलाही ताकत नाल दग दग कर रहा सी कि किसे विच इन्नी हिम्मत नहीं सी कि उन्हां दी ताब नू सह सके। उन्हां दा चेहरा इन्ना नूरो नूर हो रहा सी कि सूरज दी रोशनी भी उसके मुकाबले तुच्छ है। इंज लग रहा सी कि जिवें कोई व्यक्ति सूरज दे सामने तां कुछ पल लई खड़ा रह सकदा है, पर उन्हां दे तेज प्रकाश दे सामने एक पल भी रुक सकना असंभव है। फिर शहनशाह जी ने लोगों नू अपने खून नाल रंगदे होए जोश भरे अंदाज विच ऐलान कीता कि असी इंसानियत मानवता दी सेवा लई अपने खून दा कतरा कतरा बहा देंगे। असी आए ही मानवता लई हां, साडा इत्थे आउण दा मकसद ही यही है अते अपने इस वचन नू असी अखीर तक निभाउंदे रहांगे। अते इसे प्रण नाल अज असी इंसानियत दे लोगो नू अपने गल विच पा रहे हां, जिस नू कदे भी उतारांगे नहीं। इंसानियत दे सच्चे रक्षक मानवता नू अपने खून दी बलि देण वाले महान दातार ने अपने हाथ नू उपर चुक के कड़कदी आवाज विच फरमाया कि सानू किसी झूठ फरेब की परवाह नहीं, अजिहा कोई माई दा लाल नहीं जो सानू इंसानियत की सेवा करन तो रोक सके। कुल मालिक शहशाह परम पिता परमात्मा ने सानू भेजा ही इस लई है, असी अजिहा करके ही रहांगे। सारिया नू सुख आराम मिले, दुनिया विच चारे पासे अमन शांति कैम रहे, यही साडा मकसद है अते असी ए करके ही रहांगे। सारिया नू परमात्मा दे नाम दा जाप करवावांगे अते तुहानू सारिया नू सच खा
ਖੰਡ ਨਿਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੁਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਸੂਰਵੀਰ ਬਣੋ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰੇਗਾ ਸਤਗੁਰ ਉਸ ਵੱਲ ਸੈਕੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿੱਦੜ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ, ਖੁਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇਨਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਈ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੋਡੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਮੂਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚ ਐ ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MP ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੱਢ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਜੀਤ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ 15 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਪ੍ਰੀਤ ਵਾਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਪਨੇਜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਚੜਾਊਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਡਰੈਸ ਇਹੀ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋਗੇ ਆਏ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲੋਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। 4 ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਲਈ ਸਤਾਨੀ ਸੰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਇਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਨਾਰਪੁਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 13 ਮਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਾਰਪੁਰੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 13 ਮਈ 2007 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰਪੁਰੇ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਇਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई सवाल हो आपका, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो। और ये मैगज़ीन जो है बहुत कम छपी थी, 2007 में पंजाबी भाषा में ये मैगज़ीन छपी थी। 29 अप्रैल 2007 का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की पूरी डिटेल इस मैगज़ीन में छपी थी और डेरा से ये मैगज़ीन जारी हुई थी। हाँ, जो मैगज़ीन बैंजी पढ़ के सुना रहे थे ये वही मैगज़ीन है, तो पंजाबी भाषा में है। अगर आप चाहेंगे तो इसके स्क्रीनशॉट्स प्रॉपर आपको लेके,
कि एक किताब है 15-20 पेज की, मुश्किल से मैगजीन है, तो कोशिश करेंगे भी अगर आपको चाहिए तो पंजाबी भाषा में है, इसकी फ़ोटो खींच के इसके टेक्स्ट की क्या क्या वचन उस टाइम हुए थे, क्या क्या हजूर विदाई ने बात हुई थी, क्या क्या कार्यक्रम में हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सास संगत में जो उस कार्यक्रम में नहीं थे, मैं भी नहीं था, तो मैंने भी बाद में पढ़ी है, तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको ये अवेलेबल करा देंगे। और कोई सवाल आपका हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, और बाकी हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए और बुराई भी की असलियत भी सामने आए, और कौन कौन इस सबके पीछे है सब सामने आए, और ये जरूर विश्वास रखिएगा भी हर एक आदमी सामने आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई छुप जाएगा, हर एक आदमी का किरदार कैसा है कैसा नहीं है सब सामने आएगा। तो एक चीज़ हमने आज डिस्कशन हुई और समझने की कोशिश की कि जैसे कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस के साथ रहते हैं उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस से भी बात की, और उसके बाद ये जो समझने की कोशिश की भी क्या है भी इतना क्या ऐसा कितना पैसा है जो एडम ब्लॉक सरकार के आगे फेंक रहा है, भी सरकार हाई कोर्ट की परवाह नहीं कर रही है, सरकार कोई भी देश के संविधान की परवाह नहीं कर रही है, मतलब कल को अगर ये चीज़ें जब स्पष्ट तौर पे सामने आएंगी तो आप लगाइए ये मतलब क्लियर कट देश की जुडिशियल सिस्टम को ख़त्म करने जैसा प्लान है। तो आखिर इतना कितना पैसा है जिसके सामने मान लो अडानी जैसे लोग भी हैं जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग गए, लेकिन उसमें भी इस तरह से फेवर नहीं गवर्नमेंट दिखा रही है जिस तरह इस मसले में दिखा रही है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं भी अडानी के बराबर का पैसा ये सरकार को दे रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार इनकी हर एक बात मानती जाती है और इनके हिसाब से जो चीज़ इनको चाहिए वो हो रही है। तो उसमें हमें लगता है भी कोई एक ऐसी बड़ी कड़ी है सरकार और एडम ब्लॉक के बीच में किसी बड़ी बड़े अपराध की, या कह सकते हैं कि बड़ी किसी साजिश की कड़ी है जो अभी तक बाहर आई नहीं है। हो सकता है देश के अंदर कोई बड़ी साजिश रची गई हो जिसमें एडम ब्लॉक ने बड़ा साथ दिया हो इनका, और दिल्ली दंगे वाले तो डेफिनेटिव है हमें पता है भी उसमें एडम ब्लॉक ने साथ दिया है, उसके अलावा वो तो चलो हनीप्रीत ने किया, प्रियंका तनेजा ने कैसे संगत को सर्विलेंस ब्लैकआउट में डाल के दिल्ली दंगे में गुंडे भिजवाए गए, तो ये सब चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा बड़ा कुछ किस्सा है जो बड़ी तार जुड़ती है जो शायद अभी सामने नहीं आई है और हो सकता है आने वाले टाइम में कभी आए, जिसकी वजह से ये सब कुछ कंप्रोमाइज़ होता है और हो रहा है। तो कोई भी इस निगाह से भी आप इन चीज़ों को देख के चलिए, माफिया नहीं है भी, अगर जुडिशियल सिस्टम को बेच खाने का मतलब ये है भी ऐसी चीज़ है जो सरकार और एडम ब्लॉक दोनों को एक साथ ले बैठेगी, मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से जो ओरिएंटेशन है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एडम ब्लॉक के नज़र से देखते हैं, बहुत सारी जगह हम मॉनिटरिंग रखते हैं पैरेलल, क्योंकि पिताजी के होते भी बहुत सारे बच्चे एक्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो इस लेवल की मॉनिटरिंग रखते हैं कि जिसे आप खुफिया एजेंसी लेवल की मॉनिटरिंग कहें, उस लेवल की मॉनिटरिंग, उस लेवल के लिंक्स, उस लेवल का नेटवर्क भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है भी हम सिर्फ एडम ब्लॉक को ही मॉनिटर करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी मॉनिटर करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें कोरिलेट होती हैं आपस में, आप इसे अंग्रेजी भाषा में कोरोबोरेट कहते हैं, कोरोबोरेट होती हैं, और उसमें ये चीज़ निकल के सामने आती है कि कुछ ऐसी एक बड़ी घटना है, हालांकि हम उसको एंटिसिपेट कर पा रहे हैं भी घटनाएं किस प्रकार की हैं, पर क्या है कि अभी इतनी एविडेंट नहीं है अभी हम आपके सामने बोल दें, पर आप भी इस निगाह से चीज़ों को देखा करें तो आपको समझ में आएगा भी सरकार का रवैया इतना क्यों है, क्योंकि पंजाब में वोट दिलवाया पंजाब में जो हार गई सरकार, दिल्ली में वोट लिया दिल्ली में हार गई, 2019 में शायद 18-19 में राजस्थान में इलेक्शन था राजस्थान में भाजपा हार गई थी, हिमाचल में समर्थन दिया हिमाचल में भाजपा हार गई, तो जहाँ जहाँ ये समर्थन दे रहे हैं भाजपा तो हार ही रही है, और हरियाणा के अंदर भी इन्होंने जेजेपी को समर्थन दिया था तरीके से, और जेजेपी के जरिए हनीप्रीत ने अपनी जमानत करवाई थी, जेजेपी को समर्थन दे के तरीके से गेम बिछाया था लेकिन भाजपा को समर्थन दिया नहीं था, तो ऐसे में वोट बैंक कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है भी जिसके लिए बंदा जुडिशियल मतलब सरकार जुडिशियल सिस्टम को ही बेच खाए। ठीक है कोई एक आधे केस में मैनेज हो जाती है कोर्ट कहीं ना कहीं लेवल पे या इन्फ्लुएंस हो जाती है,
इस तरह से जुडिशियल सिस्टम को करप्ट कर देना, एक नकली आदमी को परोस के लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाना और इस लेवल का झोल करना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हजूर पिताजी के सामने आते ही सरकार ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ लगता है। और इस लेवल का जो फेवर है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उठ के दिया जा रहा है, और ये फेवर बहुत अजीब है। और कैसे हर एक सिस्टम का, हर एक मतलब सिस्टम के लेवल का हर एक आदमी, मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने सरकार को एक लेटर लिखा, हमने कहा कि 25 अगस्त को मीडिया में खबर चलाई गई कि भाई डेरे में हथियारों का जखीरा है, ये है वो है, और आर्मी ने टैंक भी लगा दिए थे सिरसा में, बहुत सारी फोर्स बुलाई गई, हाई कोर्ट ने गोली चलाने का ऑर्डर तक दे दिया, तो इसका मतलब कोई बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट था, कोई बड़ा कुछ था, और अगर था और उसके बाद लेकिन मिला तो कुछ है नहीं, तो मिला नहीं या फिर ये इतने शातिर थे कि सब कुछ गायब कर गए। तो हमने क्या किया, हमने सरकार को एक लेटर लिखा, हमने कहा भाई ऐसा है जी, हमको पता है कि सामान कहाँ गायब हुआ है, भाई आप ये बताओ भी क्या आपने कोई कमेटी बनाई है भी जो ये पता लगा रही हो भी सामान कहाँ गायब होगा, क्योंकि सरकार एक गलत इनपुट के ऊपर टैंक उतार देगी, टैंक तो आज तक कश्मीर में भी नहीं उतारे, तो यहाँ क्यों सिरसा में क्यों उतारे थे, तो कोई बड़ा इनपुट था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी इनपुट था, हर तरह का इनपुट था, तो फिर वो मिला क्यों नहीं, और अगर गायब हुआ तो कोई ना कोई तो सीक्रेट ऑपरेशन चला होगा भी इसको ढूंढने के लिए, तो हमें पता है अभी वो कहाँ गायब हुआ, तो हम आपको सूचना दे सकते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं अभी कौन सा ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है या कोई यूनिट इंक्वायरी कर रही है, तो हमें ऑफिशियली बताओ, हम ऑफिशियली जानकारी देंगे भी सब कुछ कहाँ गायब हुआ। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बोला जी ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं, तो बाकी आप समझदार हैं, तो खैर सच्चाई सामने आएगी, तो हम आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श, मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल हमारे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, दिन में कभी भी नाम चर्चा रहेगी, 29 अप्रैल के दिन डेरा सच्चा सौदा की डायमंड जुबली है, तो कल हम नाम चर्चा जरूर रखेंगे, तो आप नाम चर्चा में जरूर जुड़े, आगे से आगे मैसेज देते रहें, तो हो सकता है शाम को ही करें 8 से 9, पर अगर पहले हुई तो आपको मैसेज डाल देंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।